नमस्कार बच्चों बच्चों कक्षा 10 एक्सरसाइज 6.5 इसका प्रश्न 3 हम कर रहे हैं और प्रश्न 3 का तीसरा भाग हम कर रहे हैं। प्रश्न ये है कि हमारे पास बी ए डी एक समकोण त्रिभुज है जो ए पर समकोण बनाता है और ए सी जो है यह बी डी पर लंब है, यानी ये यहां पर 90 डिग्री कोण बनाती है। हमें सिद्ध करना है ए डी स्क्वायर बराबर बी डी गुना सी डी। तो हम बच्चों यहां पर दो त्रिभुज लेंगे, देखिए इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल सी डी ए। अब मैं आपको फिगर में दिखाता हूं, देखिए ए डी बी ये बड़े वाला त्रिभुज बच्चों और सी डी ए यह छोटे वाला त्रिभुज। हमने ये दो त्रिभुज लिए हैं, ए डी बी बड़े वाला, सी डी ए यह छोटे वाला। अब इसमें बच्चों ध्यान से देखिएगा, कोण डी बराबर कोण डी, ए डी बी में भी डी कोण है, सी डी ए में भी डी कोण है, तो ये हो गया कॉमन। और बच्चों देखिए कोण बी ए डी, बी ए डी कितने किसके बराबर है 90 डिग्री, और उधर कोण डी सी ए ये दोनों किसके बराबर हैं 90 डिग्री के। तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में ए डी बी बड़े वाले में और डी सी ए या सी डी ए छोटे वाले त्रिभुज में दो संगत कोणों के युग्म आपस में बराबर आए हैं, तो ए ए समरूपता कसौटी के अनुसार त्रिभुज ए डी बी समरूप होगा त्रिभुज सी डी ए के। और बच्चों यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो क्या होगा, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। अब यदि संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो इसका मतलब बच्चों एडी बटा सीडी बराबर होगा बीडी बटा एडी के, और यदि हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो एडी एडी आपस में गुना होके हो जाएगा एडी स्क्वायर, और यह बराबर हो जाएगा बीडी गुना सीडी के। बीडी गुना गुना की जगह हम डॉट भी लगा देते हैं सीडी। अब देखिए यही आपको सिद्ध करना था एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुना सीडी, एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुना सीडी। अतः यह सिद्ध हुआ। तो देखा बच्चों हमने इस वीडियो के माध्यम से इस प्रश्न का हल सीखा है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको इस प्रश्न का हल अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों के उत्तर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर आप बाकी प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से सीख भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।